बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से ये 5 जुलाई 2022 को प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। इस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से इल्हाक शुदा तमाम सरकारी निजी कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों को ये मुतल्ला किया जाता है कि इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात बुराए 2022 के साइंस प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और साइंस जनरल ग्रुप्स के 15 जुलाई से शुरू होने वाले अमली इम्तिहानात के लिए दरकार इम्तिहानी मवाद, एग्जामिनेशन मटेरियल और जवाबी कापियां, आंसर स्क्रिप्ट्स तैयार हैं। तमाम कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नुमाइंदे अपने प्रिंसिपल्स के अथॉरिटी लेटर के साथ इम्तिहानी मवाद प्रैक्टिकल सेक्शन कमरा नंबर 40 से जबकि जवाबी कापियां, आंसर स्क्रिप्ट्स एग्जामिनेशन स्टोर कमरा नंबर 21 से हासिल कर सकते हैं। इलावा अजय तमाम इंटरनल एग्जामिनर से दरख्वास्त है कि वो अमले इम्तिहानात के अपने प्रोग्राम जल्द अज जल्द प्रैक्टिकल सेक्शन कमरा नंबर 40 में जमा करवा दें। इस साल अमले इम्तिहानात में हेड और डिप्टी हेड्स इम्तिहानी मराकज का दौरा करेंगे। ये फ्रेंड नोटिफिकेशन जो था वो जारी किया गया था कराची बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये कराची बोर्ड ने तमाम सरकारी और जो निजी कॉलेजेस हैं, निजी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे ये कहा है कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो 15 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो उस इम्तिहान के लिए जो एग्ज़ामिनेशन की कॉपियाँ होती हैं और जो आंसर स्क्रिप्ट होती हैं वो तैयार हो गई हैं, तो आप लोग जो है वो अपने प्रिंसिपल के अथॉरिटी लेटर के साथ बोर्ड ऑफिस में आकर इम्तिहानी मवाद जो होगा यानी जो एग्जामिनेशन मटेरियल होगा वो रूम नंबर 40 से हासिल कर सकते हैं, जबकि जो आंसर स्क्रिप्ट होंगी वो पेज नंबर जो आपका रूम नंबर है 21 वहां से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल जो है वो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें हेड और डिप्टी हेड जो है वो भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी आज की तरफ से जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।